नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक पर स्वागत है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी 77th इंडिपेंडेंस डे। हमारा देश आज 77वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट है जिसको रेखांकित करने के लिए 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देश के नाम संदेश दिया और 15 अगस्त की सुबह लाल किले पर झंडा वंदन कर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को संबोधित किया। ये दोनों ही भाषण हमारे देश की उन्नति और प्रगति को दर्शाते हैं। यहाँ पर हमारे नेताओं के पास मौका होता है कि वो देश के सामने अपनी बात रखें और बताएं कि आजादी के बाद इंडिया ने किस गति से विकास किया है और इस समय हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो इस हिसाब से ये दोनों ही स्पीच हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों की स्पीच को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें उन्होंने हाईलाइट की हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया है उसमें क्या चीजें हाईलाइट की गई हैं। ये दूसरी बार था जब हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। देश में इस समय जो देशभक्ति का माहौल है उसको देखते हुए वो काफी प्रसन्न थी। सबसे पहले राष्ट्रपति ने इस बात को हाईलाइट किया कि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि हम अपने आप को सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की तरह नहीं देख सकते, भारतवासी इस समय सबसे बड़े और सबसे महान समुदाय का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मगर ब्रिटिश राज के समय हम एक उपनिवेश बन गए थे, जिससे हमें 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिलती है। उस आज़ादी के साथ हमने इस बात की आज़ादी भी हासिल करी है कि अब हम हमारा भाग्य खुद लिख सकते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट ने इस बात को हाईलाइट करा कि हमारी बहुत सारी आइडेंटिटी हो सकती हैं, जन्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, परिवार के आधार पर, कुल के आधार पर, मगर एक आइडेंटिटी सबसे ऊपर है, वन आइडेंटिटी अबव ऑल, और वो हमारी पहचान है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। भारतीय नागरिक के तौर पर जो हमारी पहचान है वो सर्वोपरि है। इस बात को उन्होंने हाईलाइट किया। इसके बाद उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी और साथ में यहाँ पर जितनी भी फीमेल फ्रीडम फाइटर्स रही हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया, उन सबको भी यहाँ पर उन्होंने ट्रिब्यूट दिया। उन्होंने कहा सरोजिनी नायडू, अरुणा असफ अली, सुचित्रा कृपलानी, रामा देवी, अम्बू स्वामीनाथन, मतंगनी हजारा, कलालता बरुआ जैसी महिलाओं ने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन निछावर किया है। ये पूरी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उनका कहना था कि भारतीय महिलाएं हर चैलेंज का सामना कर सकती हैं और हर क्षेत्र में वो योगदान दे सकती हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी जी को याद किया और इस बात को हाईलाइट किया कि हमारे देश को आज़ादी मिली, ये बात तो इम्पोर्टेंट है, मगर यहाँ पर उससे भी ज़्यादा ये बात इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से हमने आज़ादी को हासिल किया। आज़ादी की लड़ाई में जो हमने सत्य और अहिंसा का पालन किया है, ये पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है, और यहाँ पर सत्य और अहिंसा को बाकी देशों ने भी अपने संघर्ष में अपनाया। इस बात को प्रेसिडेंट ने हाईलाइट किया। इसके बाद प्रेसिडेंट ने इस बात को हाईलाइट किया कि भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट है। यहाँ पर इंडिया के पास मौका है कि जब वो ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में ट्रेड और फाइनेंस के साथ साथ इक्विटेबल ग्रोथ, समावेशी विकास की बात कर सकता है। यहाँ पर उनका कहना था कि कुछ विश्व के मुद्दे ऐसे होते हैं जो पूरी मानवता को प्रभावित करते हैं। ऐसे मुद्दों को सिर्फ हम ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर सीमित नहीं देख सकते। यहाँ पर जरूरत है कि वी शुड कंसीडर वर्ल्ड एज अ फैमिली। वासुदेव कुटुंबकम की जो हमारी फिलोसफी है उसके आधार पर हमको काम करना चाहिए। इसके बाद प्रेसिडेंट ने इसको हाईलाइट किया कि भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और इस अमृत काल में भारत की अर्थव्यवस्था और भी तेजी से बढ़ेगी। यहाँ पर भारत हर क्षेत्र में अच्छा करे इसके हिसाब से प्लानिंग की जा रही है और गवर्नमेंट उस दिशा में काम कर रही है। इन सब बातों को हाईलाइट करते हुए प्रेसिडेंट ने बताया कि अगर हम इसी दिशा में काम करते रहे तो जरूर हम 2047 में एक इंक्लूसिव और एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। यहाँ पर प्रेसिडेंट ने क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात करी। उन्होंने यहाँ पर चेतावनी देते हुए कहा कि कल्चर ऑफ ग्रीड, यानी कि लालच की जो संस्कृति है, उसने दुनिया को नेचर से अलग कर दिया है, मानव को प्रगति से अलग कर दिया है। यहाँ पर जरूरत है कि हमारे साइंटिस्ट और साथ में पॉलिसी मेकर साथ में आए ताकि पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से लड़ सके। लास्ट में हम देखते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट ने चंद्रयान 3 के बारे में भी बात करी। उन्होंने यहाँ पर बताया कि इसरो हर साल अपने लिए नए नए टारगेट सेट करता है और वो लगातार अपने एक्सलेंस का बेंचमार्क ऊपर लेते हुए जा रहा है। ये बताता है कि इंडिया की जो एस्पिरेशंस है वो इन्फिनिट हैं, इंडिया की जो आशाएं हैं उनकी कोई सीमा नहीं है और इंडिया अपने सपनों को साकार करने के लिए सक्षम है। तो फ्रेंड्स, ये थे की हाइलाइट्स हमारी प्रेसिडेंट की स्पीच से जो उन्होंने 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर दी। आइए अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बारे में जो उन्होंने पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की सुबह लाल किले से दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 10वीं बार देश को लाल किले से 15 अगस्त को संबोधित किया है।
उन्होंने यहाँ पर 140 करोड़ भारत के परिवारजनों को 77th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दी। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने फ्रीडम फाइटर्स को याद किया और उनको श्रद्धांजलि दी। यहाँ उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन सत्याग्रह मूवमेंट की बात करी। फिर उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को याद किया और बोला कि उस समय के सभी लोगों ने आज़ादी में अपना योगदान दिया है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया, जैसे कि आज के दिन ही महान क्रांतिकारी और आध्यात्मिक गुरु श्री अरबिंदो जी की 150th जयंती है। इसी के साथ इंडिया इस साल स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 150th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेगा। फ्रेंड्स, इसी साल रानी दुर्गावती जी की 50th बर्थ एनिवर्सरी है, इस बात को भी उन्होंने हाईलाइट किया और साथ में भक्ति योग संत मीराबाई जी को भी 525 साल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगले साल 2024 में हम 75th रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करेंगे, इस बात को भी उन्होंने हाईलाइट किया और उसके लिए इंडिया किस तरह से तैयारी कर रहा है, इन चीज़ों को भी उन्होंने बताया। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम 77th इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो इस साल भारत सरकार ने 15 अगस्त के मौके पर 1800 लोगों को एज अ स्पेशल गेस्ट इन्वाइट किया है लाल किले पर। गवर्नमेंट का जो जन भागीदारी का विजन है उसको ये चीज़ हाईलाइट करती है। गवर्नमेंट ने 50 नर्सेस और उनके परिवार को भी यहाँ पर इनवाइट किया है। साथ में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने COVID-19 में जो नर्सेस, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ ने जो योगदान दिया है उसको भी हाईलाइट किया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि COVID-19 ने हमें ये सिखाया है कि ग्लोबल डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है अगर वो ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच से ना किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर कहा कि भारत इस समय मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा है और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का कॉन्फिडेंस दिखाया कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में मणिपुर में शांति दिखाई दे रही है, ऐसी ही शांति वहाँ बरकरार रहेगी और यहाँ पर जो भी समस्या है उसका निराकरण शांतिप्रिय तरीके से निकाला जाएगा। फिर हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स के बारे में बताया और यहाँ पर सबसे पहले इस बात को हाईलाइट किया कि 13.5 करोड़ लोग अब गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं और इस समय अब वो नई मिडिल क्लास का हिस्सा हैं। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बताया कि 2014 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी 10वीं इकोनॉमी थी और 2023 में इंडिया अब 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। यहाँ पर मुद्रा योजना को खास तौर पर हाईलाइट किया गया और ये बताया कि इस योजना के तहत 10 करोड़ सिटीजन्स जॉब क्रिएटर्स बने हैं, यानी कि उन्होंने रोजगार प्रदान किया है। हर एंटरप्रेन्योर ने एटलीस्ट 1 से 2 लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया है। इस योजना के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। फिर प्रधानमंत्री ने वन रैंक वन पेंशन इनिशिएटिव की बात करी, जिसके तहत गवर्नमेंट ने 70 करोड़ रुपए खर्च करे हैं और इसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारे सोल्जर्स की फैमिली को मिल रहा है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने पीएम स्वनिधि स्कीम को भी हाईलाइट किया, जिसके तहत गवर्नमेंट 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बताया कि गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों को सस्ते घर मिले। इसके बाद यहाँ पर विश्वकर्मा स्कीम को भी हाईलाइट किया गया, जिसके तहत गवर्नमेंट 15,000 करोड़ खर्च कर रही है ताकि यहाँ पर उन लोगों को फायदा मिल सके जो आज भी पारंपरिक काम करते हैं। यहाँ पर पीएम ने आवास निधि योजना की भी बात करी। इस स्कीम के तहत सरकार यहाँ पर उन लोगों की मदद करेगी घर बनाने में जो लोग लो पॉवर्टी लाइन है या फिर जिन लोगों के अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज में घर हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ने आयुष्मान भारत स्कीम की बात करी, जिसके तहत सरकार 70,000 करोड़ खर्च कर रही है जो VPL परिवारों को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर पीएम ने बताया कि वन अर्थ वन हेल्थ और वन फ्यूचर के तहत सरकार जन औषधि केंद्र खोल रही है। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करी और उनका यहाँ पर कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो वुमेन लेड हो। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा वुमेन पायलट्स हैं और साथ में यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हैं। उन्होंने यहाँ पर कहा कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारी बेटियों के खिलाफ कोई भी अत्याचार ना हो, उनके मान सम्मान पर कोई भी आंच ना आ पाए। इसके बाद उन्होंने रीजनल लैंग्वेज एम्पावरमेंट की बात करी। उन्होंने यहाँ पर कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिले और अधिक से अधिक उनका यूज़ हो प्रशासनिक कामों में भी, इस बात को लेकर उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने हमारी मिलिट्री की स्ट्रेंथ के बारे में बात करी और बताया कि किस तरह से आर्म्ड फोर्सेज में मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश में आतंकी गतिविधियां कम हुई हैं उससे हमारे देशवासी और ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और इस सफलता का श्रेय हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जाता है, हमारे जवानों को जाता है। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर की भी बात करी। उन्होंने यहाँ पर डिजिटल एम्पावर्ड इंडिया के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं कि देश के कोने कोने तक इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहुँचाया जा सके। उन्होंने यहाँ पर बताया कि इंडिया वो कंट्री है जहाँ पर
फास्टेस्ट रोल आउट ऑफ 5G सर्विसेज देखा जा रहा है। इसी के साथ फ्रेंड्स, आने वाले समय में हमको 6G स्टैंडर्ड भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि अंडमान और लक्षद्वीप तक भी इंटरनेट पहुँचे, इसलिए सरकार ने अंडरसी केबल बिछाई ताकि वहाँ पर भी कनेक्टिविटी का कोई इशू देखने को ना मिले। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को भी हाईलाइट किया कि पूरी दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे कम दरों पर हमको डाटा अवेलेबल होता है। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसके सेलिब्रेशन के बारे में बात की। इस महोत्सव की शुरुआत फ्रेंड्स 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद गुजरात से की गई थी, जहां पर देश का इस अमृत काल में लक्ष्य है कि 2047 तक हम एक विकसित डेवलप्ड देश बन जाएं। जब 2047 में इंडिया अपनी आज़ादी के 100 साल को सेलिब्रेट करेगा, उस समय इंडिया एक विकसित देश होना चाहिए। इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। आज के जो डिसीजंस हैं वो इस बात को डिफाइन करेंगे कि 2047 में हमारी क्या परिस्थिति होगी। इस चीज़ को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में बार बार हाईलाइट किया। तो फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में इस बात को हाईलाइट किया कि किस तरह से इंडिया ने जो 76 साल हुए हैं हमारी आज़ादी को, इतने सालों में क्या क्या अचीवमेंट किया है, और जो हमारा विजन है 2047 का, उस विजन को हासिल करने के लिए हम और क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स जो यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।